क्या आप लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं? आप लोग ने यदि आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक कराए हैं, उसके बाद आप लोग को चेक करना चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड सही से लिंक हुआ कि नहीं, इसके लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला कैसे आप लोग ये चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और यहाँ पे जाके सर्च करना आप लोग ई फाइलिंग पेन ऐसे करके आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला वेबसाइट में आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे करके शो करेगा, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चलो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, यदि यहाँ से आप लोग मोबाइल फोन को यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं, उसके लिए आप लोग को सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना और यहाँ से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप साइट में ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आसानी होगा सही से आप लोग चेक कर पाओगे। उसके लिए आप लोग को राइट साइड का 3 कॉर्नर में क्लिक करना पड़ेगा, 3 डॉट में क्लिक करते यहाँ से डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लेना। देखो यहाँ से यदि आप लोग सही तरीके से चेक करना चाहते हो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है कि नहीं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, सही से देखना। सबसे पहले तुम लोग को क्विक लिंक्स का ऑप्शन में एक ऑप्शन शो करेगा वेरीफाई योर पैन, ये है आप लोग का पहला स्टेप, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को वेरीफाई योर पैन में जाके आप लोग को अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। सिंपली आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा अपना पैन कार्ड का नंबर देना है, फिर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा वो डाल देना। तो चलो वेरीफाई योर पैन में हम क्लिक करते हैं। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराए हैं तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जैसे हम वेरीफाई योर पैन में क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आप लोग को अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद आप लोग को फुल नेम डालना है, जो पैन कार्ड में आप लोग का नाम है फुल नेम डाल देना, मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोग डायरेक्ट यहाँ से नहीं डालेंगे, आप लोग को यहाँ पे कैलेंडर जो शो कर रहा है डेट ऑफ बर्थ में, उसमें आपको क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सही से फिल करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से मैं चारों चीज फिल करता हूँ और सही से आप लोग को फिल करना, ठीक है। पैन कार्ड नंबर ये सब सही से आप लोग डाल देना, उसके बाद आप लोग का सामने कंटिन्यू का बटन आएगा, आप लोग को उसमें क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करते आप लोग का सामने फिर ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा वेरीफिकेशन का, यहाँ से एक ओटीपी आएगा, आप लोग के मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड के साथ तो उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप लोग को कुछ नहीं करना, यदि ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो आप लोग का मैसेज में जो भी ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आप लोग डाल देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पैन स्टेटस शो कर देगा, जैसे आप लोग ओटीपी फिल करोगे उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग का स्टेटस शो करेगा कि आप लोग का पैन वेरीफाई है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से चलो हम चेक करते हैं, बैक आ जाना होगा। तो आप लोग यहाँ से पहला काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप है, चलो यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ठीक है। लिंक आधार स्टेटस यहाँ पे जो आप लोग के सामने शो कर रहा है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से हम जाके अभी चेक करेंगे कैसे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है कि नहीं, वो यहाँ पे आप लोग का शो कर देगा, ठीक है। अभी तक यदि आप लोग ने लिंक नहीं कराया तो नीचे कॉमेंट कर दो, फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। जैसे आप लोग लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोग के सामने पैन कार्ड का आपको नंबर मांगेगा, उसके बाद नीचे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, ये दोनों चीज़ आप लोग को सही से फिल कर देना है। आप लोग पैन कार्ड में जो भी नंबर होता है कैपिटल लेटर में होता है तो इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पे स्मॉल लेटर मत देना, तब जाके आप लोग का यहाँ पे सही से काम नहीं करेगा। तो पैन कार्ड में सारा नंबर कैपिटल लेटर होता है और यहाँ पे डाल देना पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद साइड में कंटिन्यू का बटन में क्लिक करना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ से मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल रहा हूँ आप लोग भी अपना पैन कार्ड का नंबर जो भी होगा आप लोग का सही से डाल देना, उसके बाद नीचे आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर भी आप लोग यहाँ से डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ से करके आप लोग को दिखा देता हूँ, लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। तो यहाँ से आप लोग को व्यू लिंक आधार एड्रेस स्टेटस ऐसे करके आप लोग का शो करेगा, उसमें हम क्लिक करते हैं, ठीक है। आधार स्टेटस आप लोग को शो कर देगा कि आप लोग का लिंक है कि नहीं, ठीक है। योर हम लोग का यहाँ से पैन कार्ड इज़ ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लिखा हुआ है ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर, ठीक है। पैन कार्ड हम लोग का आधार कार्ड के साथ लिंक है तो इसलिए शो कर रहा है कि हमारा यहाँ से लिंक हो चुका है। यदि आप लोग का भी ऐसे ही कुछ मैसेज शो कर रहा है तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तो आप लोग का यहाँ से पैन आधार कार्ड लिंक हो चुका है, तब जाके आप लोग ऐसा मैसेज शो करेगा। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को बता दूँ, यदि आप लोग फ्री में 500 रुपये कमाना चाहते, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को प्रूफ दिखा देता हूँ, मेरा अर्निंग सेक्शन में आ जाता है, उसके बाद हिस्ट्री में जाके आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे मैं यहाँ से डेली का 500 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग के सामने यहाँ पे लाइव प्रूफ है, 500 रुपये अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैसेज भी शो कर देगा, आप लोग को पेटीएम में भी लेके जाऊँगा, ठीक है, वहाँ भी दिखा दूँगा। यदि आप लोग भी पैसा कमाना है विंजो एप्लीकेशन से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के बाद वहाँ से जाके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और एक टू गेम खेलना, बस एक टू गेम खेलने के बाद तुम्हें 500 रुपये ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद यदि तुम्हें क्या बोलते हैं एक और एप्लीकेशन है रस एप्लीकेशन, जो आप लोग को इजीली 100 रुपया फ्री में दे रहा है, तो उसमें जाकर रजिस्टर करना है और 20 रुपये ऐड करना है, उसके बाद 100 रुपया एक्स्ट्रा कैशबैक आप लोग को मिलने वाला है। रस एप्लीकेशन हो गया, एक विंजो एप्लीकेशन। फ्रेंड्स यहाँ से यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो हमारे वीडियोज़ को दोस्तों के साथ।